इसकी जी, टायर वगैरह होने हैं, तो ये इसी के लिए लड़के कर रहे हैं काम। मॉडल कौन सा है जी? 2010 मॉडल है। रिक्वायरमेंट क्या है जी इसकी? ये सर टायर वगैरह डालने के बाद दे देंगे 1,65,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुमित द फार्मर पर। मैं आपका दोस्त सुमित त्यागी। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर और बड़ी नहर के पास टाटा शोरूम के सामने। आशीष जी का जो सेकंड हैंड ट्रैक्टरों का शोरूम है वहां पर। और दोस्तों यहां पर 6 ट्रैक्टर अभी सेल के लिए हैं, तो मैं पहले सभी ट्रैक्टर आपको दिखा देता हूँ, बाद में उनकी पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ के ओनर से दिलाऊँगा। तो पहला ट्रैक्टर है जी हमारा आईसर का 380 ट्रैक्टर है 3 सिलेंडर में। और दूसरा ट्रैक्टर है जी हमारा न्यू होलैंड 3630 TX और न्यू होलैंड दोस्तों जो है रोटर पंप में है, देख सकते हैं आप ट्रैक्टर की कंडीशन। और तीसरा ट्रैक्टर है जी हमारा मैसी 241 प्लेंट्री प्लस, इसकी भी कंडीशन में थोड़ी आपको दिखा देता हूँ, पीछे जा कर भी दिखा नहीं सकता, ट्रैक्टर को भी बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। और चौथा ट्रैक्टर है जी हमारा आयशर का 380 ट्रैक्टर, जिसमें सिम्पसन का इंजन आता है दोस्तों। टायर वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल नया ट्रैक्टर, 333 है श्रीमान जी, सॉरी मैं 380 बोला, इसमें सिम्पसन का इंजन आता है और इसके मिडिल में गेयरबॉक्स वाला है। और दोस्तों पांचवा ट्रैक्टर है हमारा महिंद्रा 595 टर्बो, इसकी महिंद्रा में कंपनी में ही कंपनी फिटेड टर्बो आती है इस ट्रैक्टर में, साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स है ट्रैक्टर का। टायर वगैरह आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर के जो पिछले टायर हैं वह हैं जी 13628 के, देख सकते हैं आप, और अगले हैं जी 616 के। और इस ट्रैक्टर की डिमांड भी दोस्तों किसान भाइयों में बहुत ही ज़्यादा रहती है महिंद्रा टर्बो की, देख सकते हैं आप। और दोस्तों हमारा जो छठा ट्रैक्टर है वो है महिंद्रा का 475। अभी दोस्तों थोड़ा थोड़ा ट्रैक्टर में काम भी चल रहा है, पूरी तसल्ली करके ट्रैक्टर की कभी आप सेल करते हैं ट्रैक्टर को, 475 है, देख सकते हैं आप फ्रंट टायर रियर टायर, इसके फ्रंट टायर भी देख सकते हैं रियर टायर भी, कंडीशन ट्रैक्टर की और लीकेज वगैरह ट्रैक्टर में कहीं कुछ नहीं है दोनों ट्रैक्टरों में। पीछे का साइज भी बहुत शानदार बना हुआ ट्रैक्टर का, बड़ा हिच है मजबूत। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर से, अजय आशीष जी जरा वही हैं यहाँ के ओनर। आशीष जी अपना एक परिचय करा दो छोटा सा, वैसे तो मैं आपका संक्षिप्त परिचय दे ही चुका हूँ। भैया मेरा नाम आशीष है, आशीष मल्होत्रा, सहारनपुर के रहने वाले हैं। पुराने ट्रैक्टर का ट्रैक्टर मिलते हैं सभी प्रकार, सभी प्रकार के छोटे बड़े सब तरीके के मिल जाएंगे, फिलहाल हमारे पास बड़े हैं, छोटे भी आ जाएंगे तो जल्दी वीडियो बना करके उसके। आप अपने एक शोरूम का एड्रेस दे दें। हमारा शोरूम भैया दुकान हमारी अम्बाला रोड पर, ये टाटा कार के शोरूम के ठीक सामने है हमारी दुकान है, यहाँ पर आ जाएँ आकर के ट्रैक्टर मिल जाएंगे आपको जो उनसे भी चाहिए। अब थोड़ा ट्रैक्टर के बारे में बताया आशीष जी, जैसे कि आयशर 380 पहला ट्रैक्टर है हमारा जी, ये 2010 मॉडल ट्रैक्टर है, 2010 मॉडल ट्रैक्टर है जी, और नंबर इसका वही आंध्रा का ही है, बाकी इसमें थोड़ा सा भी काम है रिपेयरिंग का, ऊपर का जैसे वायरिंग वगैरह होनी है इसकी जी, तो टायर वगैरह होने हैं, तो ये इसी के लिए लड़के कर रहे हैं काम। मॉडल कौन सा है जी? 2010 मॉडल है। रिक्वायरमेंट क्या है जी इसकी? ये सर टायर वगैरह डालने के बाद दे देंगे 1,65,000 रुपये। तो दोस्तों भी ट्रैक्टर में टायर वगैरह बदले जाएंगे, उसके बाद ट्रैक्टर की पूरी कंडीशन जो है आपके सामने बन के आएगी। अभी हमारा दूसरा ट्रैक्टर जो है वो है न्यू होलैंड का 3630 TX, अभी इसके बारे में भी आपको जानकारी दिलाते हैं। ये 2003 मॉडल है जी, ये 2003 मॉडल है जी, नंबर ये ऋषिकेश का नंबर, ये ऋषिकेश का नंबर है दोस्तों उत्तराखंड का, 2003 मॉडल है ट्रैक्टर, देख सकते हैं आप। तो इसमें भी आशीष जी कुछ काम होगा? इसमें कुछ काम नहीं है, सारा कंप्लीट है, सिर्फ ये जाली और ये पल्ला लगना है, बाकी और कुछ ये अभी देखो इसकी सो वगैरह लगने के बाद ट्रैक्टर का वो जो है पूरा सिस्टम आपके सामने बन के आ जाएगा। ये साइड शिफ्ट गेयर बॉक्स में है, वैसे सेंटर गेयर बॉक्स में है दोस्तों, ये डबल क्लच का ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है जी? ये 1,65,000 रुपये, ये 1,65,000 रुपये का है दोस्तों। और मॉडल 2003 मॉडल है जी, बाकी आप यहाँ आओ ट्रैक्टर को तसल्ली से देखो, और इस ऋषिकेश का नंबर है जी। और जी तीसरा ट्रैक्टर है हमारा 241 प्लेंट्री प्लस, ये जी 2014 मॉडल, ये 2014 मॉडल है जी,
और रिक्वायरमेंट भी इसकी ये मिल जाएगा सर, ट्रैक्टर 260,000 रुपये का। 260,000 रुपये का। और नंबर कहाँ का है जी? नंबर इसका भी आंध्रा का ही है, एग्रीकल्चर पासिंग का ट्रैक्टर है। कागज बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक का नोट उस वगैरह सब साथ में है। कागज जो है आशीष की तरफ से कागजों की पूरी गारंटी दी जाएगी दोस्तों, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आप यहाँ पर आकर तसल्ली से कागज देखने के बाद ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। और दोस्तों आंध्रा का नंबर है, ट्रैक्टर की कंडीशन बहुत अच्छी है, बाकी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और चौथा ट्रैक्टर जी आयसर का 333, जिसमें मैसी वाला जो सिम्सन वाला इंजन है वो आता है। 1035 DI वाला इंजन है इसके अंदर जी। 35 HP का ट्रैक्टर है, इंजन गेयरबॉक्स का बहुत बढ़िया है, कोई एक रुपए की भी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है किसान के लिए, सिर्फ और सिर्फ सर्विस का खर्च है बस। डीजल सेवर ट्रैक्टर है जी, बहुत ज्यादा बहुत डीजल सेवर है जी। ये 265 के बराबर का तेल का खर्च है इस ट्रैक्टर जी। 2007 मॉडल है दोस्तों। रिक्वायरमेंट जी 1,45,000। नंबर कहाँ का है जी? नंबर इसका भी आंध्रा का, नंबर ये भी आंध्रा का है दोस्तों। ट्रैक्टर देख सकते हैं आप एक बार और, ये देखिए, और सेंटर में गेयरबॉक्स है इसका भी, और प्लेंट्री प्लस भी भाई सेंटर गेयरबॉक्स का ही है। और जी अपना पांचवा ट्रैक्टर है महिंद्रा 295 TI टर्बो, ये सेल हो गया, इसका एडवांस पेमेंट आ गई इसकी थोड़ी। तो दोस्तों इस टर्बो ट्रैक्टर जो है ये सेल हो चुका है, साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स में है। ये नंबर ये भी वही का था? ये नंबर इसका भी बाहर का ही था, ये ऑयल ब्रेक का ट्रैक्टर था, ये ऑयल ब्रेक वाला ट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप। बड़े हिस्से का पिछली जो इसकी कुर्सी बोल रहे हैं सर्दी भाषा में, लंबी है, बड़ी है। ये 575 वाला हिस्सा है, 575 वाला हिस्सा है जी, 295 टर्बो में। और छठा ट्रैक्टर जी अपना महिंद्रा का 475, और बहुत ही साफ कंडीशन में ट्रैक्टर है ये भी। तो इसका कौन सा मॉडल है? 2009 मॉडल है भैया। अच्छा जी, और ये भी ट्रैक्टर बहुत रीजनेबल पैसे से दे देंगे, सिर्फ और सिर्फ देने वाले पैसे हैं कि 1,45,000 रुपये का ट्रैक्टर दे। 2009 मॉडल है और 1,45,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। और नंबर जी? आंध्रा का नंबर, ये भी आंध्रा का ही नंबर है दोस्तों, 475 ट्रैक्टर है। तो दोस्तों आप आशीष जी के यहाँ आकर ट्रैक्टर को अच्छी तरह सलीपूर्वक देख कर खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें आशीष जी की ये बहुत अच्छी लगी कि जो इनका व्यवहार है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है दोस्तों। तो आप कभी भी आ सकते हैं और ट्रैक्टर सेल कर सकते हैं। एक बार अपना एड्रेस आप अपनी शॉप का ऐसा दें जो पहुंचने वाला बहुत आराम से पहुंच जाए सहारनपुर। सहारनपुर में ये बड़ी नहर पड़ती है अम्बाला रोड पर, उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में, बड़ी नहर के जस्ट बराबर में टाटा कार का शोरूम है, इसके ठीक सामने हमारी दुकान है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपकी समझ में पूरा एड्रेस यहाँ का आ गया होगा, और आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और शॉप वगैरह बंद किस दिन रहती है आशीष जी? मंगलवार को छुट्टी रहती है, मंगलवार के दिन छुट्टी रहती है, बाकी किसी भी दिन आप यहाँ पर आकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।